हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्मिता दीपक जी का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। और गाइस, जो भी मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स थे, मैंने उन्हीं की हेल्प से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फेस पर इस वक्त कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। और गाइस, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप से पहले, ताकि आपका मेकअप भी अच्छा दिखे, नहीं तो आपका मेकअप भी पैची दिखने लगता है और केकी दिखने लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी आईज़ की पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर, और ये एक बहुत अच्छा कलर करेक्टर भी है, जिससे आपके डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल हाइड हो जाते हैं बहुत अच्छे से, ये कवर कर देता है। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ जहाँ भी मुझे हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स हैं, और जो भी पिगमेंटेशन थी आईज़ की, वहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने हाइड कर दी है मेरी पिगमेंटेशन। नेक्स्ट, मैं अपनी आईब्रोज़ के जो भी गैप है उसे फिल कर लेती हूँ इस ब्राउन कलर की ब्रो पेंसिल से। और पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर रही हूँ, इस तरीके से कॉम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आईब्रोज़ के जो भी गैप्स है उसे फिल कर लूँगी, कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कंसीलर, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी। और गाइस, कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कंसीलर को लगाने से आपका आई शेडो भी काफ़ी देर तक टिका रहता है, लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है, और आपकी आई शेडो का कलर भी बहुत उभर कर आता है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को लगा रही हूँ, और इसे थोड़ा सा मैंने ब्लेंड भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से ये डार्क ब्राउन कलर का शेड, अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। मैंने दोनों आईज़ पर लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये हिलेरी रूडा के पैलेट से ये ऑरेंज कलर का आई शेडो ले रही हूँ, और इसे मैं उसी आई शेडो के ऊपर इस तरीके से ब्लेंड करते हुए लगा लूँगी। और अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज, अब ताकि आपके आई शेडो का कलर और उभर कर आए। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये पेंसिल ब्रश की हेल्प से मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ, और इसे मैं इस तरीके से अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी। आप चाहें तो जो भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई और आई शेडो का कलर हो ब्लैक कलर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ये इसी कंसीलर की हेल्प से एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अपनी सेंटर आईलिड पर लगाऊंगी, जिस तरीके से स्मिता जी ने लगाया है, आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी दूसरी आईज़ पर भी लगा लूँगी इसी कंसीलर को। नेक्स्ट, मैं ये मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से ले रही हूँ, टर्कोइज ब्लू कलर ले रही हूँ, सेम जैसे स्मिता जी ने लगाया था, बस वैसे ही मैंने कोशिश की है लगाने की। और पहले मैंने लाइट कलर लगाया, उसके बाद मैं डार्क ब्लू लगा रही हूँ, क्योंकि स्मिता जी ने भी इसी तरीके से लगाया था। तो पहले उन्होंने टर्कोइज लाइट ब्लू कलर लिया था मतलब, और उसके बाद उन्होंने डार्क ब्लू कलर का आई शेडो लगाया था। तो इस तरीके से मैंने एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर। चलते हैं अब फेस मेकअप की तरफ, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का फेस प्राइमर। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। और अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जब भी आप अपने फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करते हैं, तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से स्क्वीज़ करना ना भूलें, उसे अच्छे से स्क्वीज़ ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। अब मैं अपने फेस के इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ये ओलिविया की पेन स्टिक लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं, स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ मैं यहाँ पर।
इस तरीके से आपके पास जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी पेन स्टिक है गाइस, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस मैंने अपने चैनल पर और बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, हेल्दी टिप्स शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो मैंने अपर लैश लाइन के लिए स्टेप्स फॉलो किए थे वही मैं लोअर लैश लाइन के लिए भी स्टेप फॉलो कर रही हूँ। सेम वही ब्राउन कलर का शेड लूँगी पहले मैं, और उसके बाद अपने ब्रश पर मैं ये मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ, और इसकी हेल्प से मैं ये टर्कोइज ब्लू कलर लगा लूँगी अपनी सेंटर लोअर लैश लाइन पर इस तरीके से। और गाइज मैंने ऑफ कैमरा अपनी आईलैशेस लगा ली थी, तो ये फेक आईलैशेस मैंने लगा ली हैं, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ अपने फेस को कंटूर इस लिपस्टिक की हेल्प से। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है गाइज, ये बहुत ही अच्छा कंटूरिंग का काम करती हैं और बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाती है। और गाइज मैं नेक्स्ट आपको एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आप अपने नोज़ को कंटूर करते हैं ना, तो एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही अपनी जो कंटूर आपने कंटूरिंग स्टिक वगैरह जो भी आप लगाते हैं उसे एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कीजिए, उससे कंटूरिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट मैं इस फेस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से ब्लश लगा लूँगी, लाइट बेबी पिंक कलर का शेड है ये, काफ़ी अच्छा पैलेट है गाइज ये, और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो की प्लेलिस्ट को। अब मैं सेम इसी ब्लश पैलेट से हाइलाइटर भी लगा लूँगी, क्योंकि ये 2-in-1 पैलेट है, इसमें ब्लश और हाइलाइटर आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मरून कलर का ये लिप लाइनर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एडीएस की ये ब्राउन कलर की लिपस्टिक है गाइज, और ये लिक्विड लिपस्टिक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे। सो गाइज इस लुक के लिए मैंने स्पेशली ये हुप्स खरीदे थे, गोल्डन कलर में है ये हुप्स, और आशा करती हूँ शायद आपको पसंद आया हो मेरा ये मेकअप लुक और आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा मेकअप लुक। पसंद आया तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और स्मिता जी जब कभी भी आप मेरी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी आपके इस कमेंट से। तो और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।